गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। वी हैव ऑलरेडी रेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी स्टार्ट डिवीजन। ओके, डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिविजन जो है वो अपोजिट है किसका? मल्टीप्लीकेशन का। इट मीन्स शेयरिंग इक्वली और डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। ओके, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंड। द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड डिविजर। द रिजल्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड क्वेशेंट। द नंबर रिमेनिंग इन द एंड इज कॉल्ड रिमाइंडर। Let's see. Divide 320 by 15. Okay, 2. 21 is quotient. 320 is dividend. 15 is divisor. And 5 is remainder. Okay. Properties of division. Dividing a number by itself is equal to 1. For example, 4394 divided by 4394, we will get the answer 1. Number 2, dividing 0 by any number equal to 0. Agar aap kisi ko 0 se divide karenge, then you will find the answer 0. Number 3, dividing a number by 1 is equal to the number itself. For example, agar 65,895 को 1 से डिवाइड करेंगे, वी विल फाइंड द आंसर 65,895, वो खुद ही उसका आंसर हो जाएगा। डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 इज डिवाइडेंड इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ डिवीजन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। You have studied about division by multiple of 10 in class 4th in detail. Let's revise the same here. 296 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वंस होगा वो आपका रिमाइंडर होगा, और 29 जो होगा वंस के बिफोर जितने भी नंबर होंगे वो क्वेशेंट होंगे। इसी तरह 100 से अगर आप करेंगे तो 10s और 100 जो दोनों नंबर होंगे वो रिमाइंडर हो जाएंगे, और जो दोनों नंबर होंगे वो रिमाइंडर हो जाएंगे 10s और 1s वाले, और बाकी जो नंबर बचेंगे वो क्वेश्चन में चले जाएंगे। सेम है आपका 1000 के साथ। 1000 से आप किसी भी डिजिट को डिवाइड जब 1000 से डिवाइड करते हैं, जो खाली 1000 वाला नंबर होगा वो क्वेशेंट होगा, और 1000 के बिलो जितने भी होंगे वो रिमाइंडर होंगे। लेट्स सी एनी नंबर डिवाइड बाय 10। ऑल डिजिट एक्सेप्ट द डिजिट एट द वंस प्लेस क्या हो जाएगा? क्वेशेंट हो जाएगा, और रिमाइंडर द डिजिट एट द वंस प्लेस। Any number divide by 100, all digit except the digit at the tens and the ones place. Remainder digit at the tens and the ones place वाला आपका remainder होगा। Any number divide by 100, all the digit except of the digit 100, tens and ones place. इनको छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो आपके quotient हो जाएंगे, और remainder क्या होगा? Digit at the digit at 100, tens and ones place. Let's see similarly. देखिए ये दिया हुआ है आपका 85,963 को आपको 10,000 से करना है। कितने जीरो हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये जो फोर डिजिट है आपकी 10,000 से पहले वाली, ये सब रिमाइंडर में चली जाएंगी, और जो 10,000 की प्लेस पे होगा वो आपका क्वेशेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2,13,895 डिवाइड बाय 10,000, तो क्वेशेंट क्या हो गया?
10,000 और लाख वाली प्लेस जो हो गई वो क्वेश्चेंट हो गई और रिमाइंडर थाउजेंड से हो गया। लेट सी, 4,05,920 को अगर आपको लाख से डिवाइड करना है तो लाख की प्लेस पे फोर है ना, तो जो फोर है वो आपका क्वेश्चेंट हो गया और जो रिमाइंडर हुआ वो 5,920 हो गया। 13,85,123 डिवाइड बाय 1 लाख, तो क्वेश्चेंट कितना हो गया 13 लाख हो गया और रिमाइंडर जो हो गया वो 85,123 हो गया। नाउ यू कैन डू ऑल दिस सम्स इन द बुक। ये आज का आपका वर्क है, ये फिल इन द ब्लैंक्स यू विल डू इन ओनली बुक, आपको खाली बुक से करना है, बुक में इसको फिल करना है, ठीक है। सपोज इसको आपको 10,000 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या हो गया 41 ना, और रिमाइंडर क्या हो गया 5,158, ठीक है। इसी तरह 100 से करना है तो इसमें रिमाइंडर हो गया 95 और क्वेश्चन हो गया 938 आपका क्वेश्चन हो गया। इसको आपको 10 से डिवाइड करना है तो खाली 2 नंबर जो है आपका रिमाइंडर होगा, उसके अलावा जितने भी ये नंबर हैं लाख, थाउजेंड, 10,000, 100, टेंस के प्लेस पे वो सब आपके क्वेश्चन में चले जाएंगे। इसमें 1,000 रिमाइंडर से डिवाइड करना है तो 325 रिमाइंडर हो जाएगा। इसमें 1 लाख से करना है तो 93,425 रिमाइंडर हो जाएगा और 8 लाख जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। डिवीजन बाय अ 2-डिजिट डिविजर, 16 की टेबल आती है, सब बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, 5 इज ग्रेटर देन 16 सो वी कंसाइडर 57, 5 जो है वो आपका उससे बड़ा है 16 से, तो हमको 2 नंबर लेने हैं ना। द नंबर फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट 5 एंड 7 द डिवाइडेंड एंड डिवाइड बाय 16 से करेंगे यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 16 की टेबल आती है। 16 गोज इनटू 57 3 टाइम्स इडल्स आर रिमाइंडर ऑफ 9 रिमाइंडर बच जाएगा। राइट द क्वेश्चन 3 आपने क्वेश्चन पे लिख दिया अबव द डिजिट 7 एंड ब्रिंग डाउन द 9 बिसाइड्स, उससे पहले 7 आपने से उससे आपका जब 9 बच गया उसको लिखा है रिमाइंडर 9, 16 गोज टू 99 6 टाइम्स 16 इंटू 6 96 रिमाइंडर 3, पुट अ 6 एज अ क्वेश्चेंट अबव द डिजिट 9 ऑफ द डिवाइडेंड। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि सब जगह एकदम प्लेस वैल्यू पे आपको उसको लिखना है, ओके। द डिजिट 9 ऑफ डिवाइडेंड ब्रिंग द डाउन 6, अब 6 को आपने ले लिया साथ में ना, कंटिन्यू द डिविजन प्रोसेस टिल द डिजिट ऑफ द डिवाइडेंड आर ब्रॉट डाउन, आपको ऐसे एक एक करके डिजिट ले लेनी है। द रिमाइंडर एट द एंड इज इक्वल टू 2, चेक आप अपने क्वेश्चन को कैसे चेक कर सकते हैं। डिविजर क्या है 16, क्वेश्चन कितना है 36,231 इंटू करना है प्लस रिमाइंडर को हमें प्लस करना है इज इक्वल टू डिवाइडेंड, जो डिवाइडेंड है वो आ जाएगा, देन यू विल फाइंड द आंसर। आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड नाउ डिवाइड इट्स योर सेल्फ, अपने से इसको आपको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल नंबर 11, थिंग सबसे पहले क्या करेंगे, टेक द फर्स्ट डिजिट 9 ऑफ डिविजर की आपने 9 डिजिट को ले लिया एंड डिवाइड 65, जो 65 है इसको आपको डिवाइड करना है बाय 9, 7 आर 63 बट 7 इंटू 95 इज 665 विच इज ग्रेटर देन
695। आप मन में क्या, ये पहले आपको तीन डिजिट चाहिए क्योंकि 95 से स्मॉल है 65, तो तीन डिजिट ले ली। अब 65, तो 90 की आप टेबल चला सकते हैं, 97 जा 63, तो बट 95 है तो 95 को आप पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 665। 55 जा 35, कैरी 3, 59 जा 63, 63 एंड 3 66, विच इज ग्रेटर देन 665, है ना। ये इन्होंने कैसे किया हुआ है, नहीं नहीं ये रॉन्ग है, ये नंबर बड़ा है, इसको आप ऐसे कर 665 इज ग्रेटर देन, तो फिर 6 जा कितना हो जाएगा, 65 जा 30 की 0, कैरी 3, 69 जा 54, 54 एंड 3 57, यहाँ 5 है, इन्होंने 7 0 किया है, आप 5 करिएगा इसको, ठीक है। 95 into 6 65 जा 30, 0 कैरी 3, 54 और 3 57, यहाँ 57 होना था, उन्होंने 77 कर दिया है, आप उसको ठीक कर दीजिएगा। एंड देन यू सब्ट्रैक्ट, देन इसी तरह आप 90 की टेबल लेके अगर चलेंगे तो आप लार्ज नंबर को डिवीजन कर सकेंगे, डिवीजन बाय थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर में भी आप 900 की टेबल चला सकते हैं, है ना, उसमें यही है, 900 टू जा बताइए जल्दी से, 1800 ना, बट 1800 आप 968 को अगर 2 से करेंगे, नो 37 दिया है ना, तो 37 4 जा 94 जा 36, तो पहले 4 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, ऐसे आप धीरे धीरे करके अपने आंसर को निकाल लीजिएगा, ओके। इसी तरह नेक्स्ट सम है, बस यही है कि डिवाइड मेंटली 49। अब इसमें आप 1000 की टेबल चला सकते हैं, 4937 दिया है, तो 3 जा आप इसको कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 1000 3 जा 3000, बट इधर और भी डिजिट है ना, 956, अगर आप टोटल को 3 से करोगे तो इससे बड़ा आएगा, इसलिए आप 2 से कर लो, ठीक है। इस तरह आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन से जो जो आंसर आएगा उसको नीचे करके, नेक्स्ट आपको स्टेप बाय स्टेप इस सम को करना है, ठीक है। इसी के वो वर्ड प्रॉब्लम भी दी है, नाउ डू इन योर कॉपी, ये बुक में तो आपके हो नहीं सकता, आप कॉपी में क्या क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3C, ओके। क्वेश्चन नंबर ए बी ये वाले जितने मैं टिक कर दे रही हूँ, इसको सब बच्चे अपनी मैथ्स के रजिस्टर में करेंगे, एंड वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो, इतनी वर्ड प्रॉब्लम आपका CW है, पेज नंबर 44 तक सब हो गया है। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, स्टूडेंट्स कंप्लीट योर वर्क, गुड डे।